आज हम आ गए हैं इंडिया ओपन में, तो ये न्यू दिल्ली में हो रहा है केडी जादव इंडोर स्टेडियम। पर टूर कराऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। चल 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 चल। और भैया कैसे हो? राम राम। राम राम भैया सारे ने। गाइस यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो गए, सैटरडे का दिन है इंडिया ओपन में, आप देख लो। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको एक बड़ा सा योनेक सनराइज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया फॉर क्रिएटिंग हिस्ट्री। थॉमस कप आप देख लो, जितने भी यहाँ पे थॉमस कप की ग्लोरीज हैं यहाँ पे मेंशन की गई है, और साथ में एक ट्रॉफी भी लगाई गई है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल फेक है, यहाँ पे लाइटिंग बहुत बढ़िया है। थॉमस टीम चैंपियनशिप, और यहाँ पे एक फोटो भी खींच ही लेते हैं अपनी, अच्छी लगेगी। मोदी जी के साथ यहाँ पे। वाह मोदी जी वाह, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, मतलब यार जबरदस्त है। और ये क्या, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाय हेयर मतलब क्या क्या खरीदना है यहाँ पे, ये क्या है। फिर हमें मिल गए अपने कुछ सब्सक्राइबर्स, उनके साथ खिंचाई हमने सेल्फी। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा डिजिटल बोर्ड दे रखा है, इसमें बता रखा है योनेक्स के सारे इक्विपमेंट्स, रैकेट, स्ट्रिंगिंग मशीन, और भी बहुत कुछ है। मतलब इसमें ग्लोरीज भी दिखाते हैं बीच में, हाइलाइट्स वगैरह। मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, लेकिन तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप मजबूर हो जाओगे सब्सक्राइब करने के लिए। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग गेम जो आपके बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। रिफ्लेक्सेस देखते हैं, मेरे रिफ्लेक्सेस कितने तेज है और मैं इनका प्राइज़ जीत पाता हूँ कि नहीं। तो कैसे हो भैया? तो भैया रूल्स एक बार बता दो मुझे गेम के, पूरा एक्सप्लेन कर दो कैसे क्या कुछ करना है। मतलब एक साइड के नहीं पकड़ सकता मैं, पाँचों ठीक है, 10 में से 5 पकड़ने हैं, ठीक है। तो करें गाइस गेम चालू, ठीक है चलो कर दिया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अरे ये काउंट करोगे कितने हुआ? तो सर एक बार बता दो इस बोतल में क्या क्या है, मतलब क्या स्पेशलिटी वगैरह है? टेम्परेचर सेंसिटिव बोतल है, आप कोई भी पानी वगैरह इसमें डालोगे तो आपको बता देगी अंदर का कितना टेम्परेचर, अगर आप गर्म पानी डालोगे तो गर्म बता देगी। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा बूथ बना रखा है, सेल्फी के लिए स्पेशली बनाया गया, आपके इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। यहाँ पे लिख रखा है HSBC, इनका टैग दे रखा है, और केडी जादव इंडोर स्टेडियम, और ये कुछ हैशटैग लगा रखे हैं। एक बार फोटो खींच के आपको बताता हूँ कैसी लग रही है। यहाँ पे एंट्रेंस, यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा आपको गाइस। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिख रखा है आई लव योनेक्स, बहुत प्यार है मेरे को योनेक्स से। एक बार देख ही लेते हैं। कर दें डीजे डीजे आजेश एन बैडमिंटन नंबर वन वन। सो गाइस अब हम देख लेते हैं शूटिंग शटल गेम, क्या हम इसे जीत पाते हैं कि नहीं, इस गेम के रूल्स वगैरह क्या हैं और प्राइजेस क्या क्या मिलते हैं हमें। इसके रूल्स कुछ नहीं है, ठीक है, कैसे भी खेल सकते हो, सारे आपके सामने होल हैं, ठीक है, आपको डालना है, बाय चांस आपको मिलेंगे। 5 में से एक बार अगर आपका इन होता है तो आपको एक प्लेयर स्टिकर मिलेगा, ठीक है। 2 बार इन करते हो आप सॉक्स या रिस्टबैंड आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप 3 बार इन करते हो तो आपको रैकेट मिलेगा, अटैक 9 रैकेट लेके जाएंगे गाइस, देख लेना। इसमें डालते हैं, दूसरा ट्राई करता हूँ। अरे यार है नहीं जाएगी। सो गाइज अब हमने जीत लिए ये योनेक्स के सारे स्टिकर्स, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंट प्लेयर्स हैं। अगर आपको भी ये सारे स्टिकर्स चाहिए तो यार सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दो यार, और जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसको ये मिल जाएगा। ये गाइज हमें मिल गया अपना एक न्यू सब्सक्राइबर, तो इसे हम दे रहे हैं एक स्टिकर ली चोंगी वाला। अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइज तो यहाँ पे आर्क सेबर,
सो गाइज आज हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे योनेक्स स्टोर को जहाँ पे इंडिया ओपन में है। देख लो यार एक बार फर्स्ट लुक देख लो क्या क्या है यहाँ पे, सभी में क्या है यहाँ पे शूज के सेक्शन में। यहाँ पे सारे टॉप से बिगनर से लेकर टॉप तक सारे मॉडल रखे गए हैं योनेक्स के। आप देखो तो ये कम्फर्ट जेड 3 है, ये व्हाइट कलर में है। भैया प्राइस कितना है इसका? आपको देखने को मिलेगा अगर आप इंडिया ओपन योनेक्स बूथ में आ रहे हो तो आपको 9300 में मिलेगा, तो मिस मत करना ये अपॉर्चुनिटी। MRP 19000 है, ऐसे नहीं आपको 3 कलर मिल जाएंगे। 5 मिनट का 5 minutes later मेरा फेवरेट सेक्शन अप्रैल का सेक्शन, मतलब अगर बात करूं तो मैं अप्रैल्स की तो मुझे हमेशा ढूंढता रहता हूं यार कौन सा लिमिटेड एडिशन मिल जाए, और आपको बायो में लिंक दे दूं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं तो आप वहां से जाके खरीद सकते हो। तो अगर बात करूं तो ये मॉडल दे रखे हैं, तो ये मॉडल में ये न्यू टी शर्ट है का डिज़ाइन मिलेगा, नीचे स्कर्ट है। अब हम आ गए हैं इंडिया ओपन के लिमिटेड एडिशन जोन में। यहाँ पर जितने भी आइटम देख रहे हो आप, चाहे बोतल ले लो या फिर आप बैक पैक लोगे, ये वाला डिज़ाइन है एक, ये योनेक्स वाला और इसका दूसरा वाला कलर, और ऊपर इसका शोकेस में लगा हुआ है। अगर मैं बात करूं टावल की तो टावल में आपको ये लिमिटेड एडिशन इंडिया ओपन का, तो इधर से देखोगे तो और आप इधर से, मतलब क्वालिटी मटेरियल अगर मैं बात करूं तो इसकी काफ़ी अच्छी है। प्राइस ये है योनेक्स के मिनी। बात करें टी शर्ट की जो सात्विक चिराग ने अभी रिसेंटली पहनी हुई है, तो ये अब आ गए हम फैदर शटल कॉक्स में। जो भी प्रोफेशनल प्लेयर हैं वो सारे फैदर शटल कॉक्स से खेलते हैं। तो गाइज अब आ गए हम रैकेट वाले सेक्शन में जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे टॉप रेंज रैकेट है, सारे फ्लैगशिप सीरीज है योनेक्स की रैकेटों में, तो आप इन्हें एक बार ध्यान से देखो। ये है मेरा एस्ट्रोक्स 100ZZ, मैं यूज करता हूँ करंटली, स्टॉक आउट होने से पहले आप ले लो यार, बहुत डिमांड है योनेक्स इसकी 100ZZ की रैकेट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एस्ट्रोक सीरीज का बता रखे हैं इसकी क्या क्वालिटीज हैं। आप आर्क सेवर 11 प्रो, तो गाइज 1290 का। गाइज मैं बता आपको रिव्यू दे देके बहुत ही थक गया मेरा तो, चक्कर आने लग गए हैं। यहाँ पे आ गया हूँ मैं योनेक्स बूथ में, और बूथ में आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा है, काफी सारा योनेक्स का सामान है। अगर आप पीछे देखोगे तो ये हॉल में आप यहाँ पे मैच देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तो ये मिल गया हमें हाईटेक भाई, भाई को गलती से सब्सक्राइब मत कर देना गलती से भी। चुप, बिल्कुल चुप। और हमारे साथ है ए एंड बैडमिंटन मिस्टर अकुल। भाई मजाक कर रहा था, सब्सक्राइब कर देना भाई को, भाई का 150 के हैं तो कर देना भाई को सब्सक्राइब, ठीक है। कंजूसी मत करना यार क्लिक बटन दबाने में, रैकेट फेंक के मारो या शटल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये तो कुछ नया ही लग रहा है दोस्तों। रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद ये आपकी पूरी सेल्फी वगैरह भी ले सकते हो आप यहाँ पे, और पूरी वीडियो भी बना सकते हो 360 डिग्री में। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस होल है, अभी सेमीफाइनल चल रहे हैं इंडिया ओपन का। तो आप उधर देखोगे तो उधर नारोका खेल रहा है जापान की टीम से, वहाँ पे जापान का कोच है जो केंटो मोमोटा का भी कोच रहा है। और अगर आप उधर ध्यान से देखोगे कि वहाँ पे ली चेक यू खेल रहा है अपने कोच के साथ, अभी वार्म अप है, और अभी वुमेन्स डबल्स का मैच अभी कम्प्लीट हुआ है, तो पोस्ट वर्कआउट ट्रेनिंग अभी उनकी चल रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है इनको ताकि ये स्ट्रेंथ बिल्डअप कर सके अपने मसल जॉइंट्स में, क्योंकि उस टाइम पे हमारी मसल्स हमारे जॉइंट्स वगैरह बहुत ही वार्म्ड अप होते हैं, तो ट्रेनिंग बहुत आसानी होती है। कुछ ड्रिल्स आप देख लो, ये क्या नॉर्मल स्टैंडिंग स्ट्रोक्स कर रहे हैं नारोका अपने कोच के साथ, खत्म हुआ है। तो अगर आप अपने लेफ्ट साइड देखोगे तो यहाँ पे मोमोटा का कोच व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रहे हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? आप कितने साल से योनेक्स के लिए काम कर रहे हो? 20 साल के करीब। ये रैकेट किसका अभी कर रहे हो? स्ट्रांग डेजा पुल। कितनी टेंशन करवा रहे हो अपने रैकेट में? 32-34 टेंशन है इसमें। और स्ट्रिंग कौन सी है? एक्स बोल्ट 65 करवा रहा है गाइस, 34-32 स्ट्रिंग्स। और इसमें कोई प्री स्ट्रेच वगैरह कुछ ऐसा? कुछ नहीं, नॉर्मल 32-33। 400 हो गए?
400 रैकेट गाइस स्ट्रंग कर दिए हैं, तो पूरी टीम है योनेक्स की जो स्ट्रिंग करती है, योनेक्स स्ट्रिंगिंग टीम। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा पूरी टीम को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मदद करती है प्लेयर को, उनके राइट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि अच्छा ठीक है। ये भगवान क्या जुलूम है गाइस, ये लक्ष्य सेन का रैकेट और आप देखोगे तो नैनो फ्लेयर 1000G है इस रैकेट का नाम, और BG80 पावर इसने लगवाई है 32 टेंशन। तो अंकल जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 32 ये पूरी 32 और ये पूरी 32 उन्होंने ये नहीं करवाई 32 30 ये नहीं करवाई। ठीक इसकी एक बार चेक कर लेते साउंड तुम कड़क माल है ना। मैं इसको रैकेट को होल्ड कर रहा हूँ, जैसे मुझे थोड़ा सा हेड की तरफ से हैवी लग रहा है ये। नहीं ये हेडलाइट रैकेट है, तो गाइज अब आता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो आप देखोगे स्टेडियम में बहुत ही तगड़ा माहौल है। आज एक बार दिखाता हूँ आपको, व्यू देख के तो गाइज ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो यार सब्सक्राइब बटन दबाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो व्लॉग होने वाला है जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा योनेक्स सनराइज इंडिया को जिन्होंने मेरे को इनवाइट करा इंडिया के सबसे बड़े बैडमिंटन टूर्नामेंट में। बता रहा हूँ यार बहुत मजा आया पूरे टूर्नामेंट को एंजॉय करके, एंड लास्ट में यही बोलना चाहूंगा हरे कृष्णा हरि बोल।